नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है और इसका नतीजा ये है कि अब सभी कर्मचारियों को कंपनी जो है वो ऑफिसेज बुलाना शुरू कर दिया है कंपनियों ने। अब बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जो ऑफिस नहीं जाना चाहते, यानी वो चाहते हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है या जो हाइब्रिड कल्चर है उसको कंटिन्यू रख लिया जाए। क्या वजह हो सकती है कि कर्मचारी जो है वापस दफ्तर नहीं लौटना चाहते हैं? मून लाइटिंग एक ऐसी वजह बताई जा रही है जिसका मतलब ये है, अगर आपको सुनने में शब्द काफी भारी भरकम लगता है तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब साफ तौर से ये है कि कर्मचारी जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर में हो या हाइब्रिड तरीके से काम कर रहा हो तो एक से ज्यादा कंपनियों के लिए ये कर्मचारी काम करता है। अब मून लाइटिंग का असर कंपनियों पर किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह से आपके करियर के लिए मून लाइटिंग को अपनाना सही नहीं है या सही है, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी हमारी ये खास पेशकश। लेकिन चलिए उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना महामारी ने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। लाइफस्टाइल बदलने के साथ एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है काम करने का तरीका। कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम कल्चर चलन में आया, यानी लोग ऑफिस की जगह घर से काम करने लगे। लेकिन वही वर्क फ्रॉम होम कंपनियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल वर्क फ्रॉम होम की वजह से कई कर्मचारी मून लाइटिंग में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। अगर आप मूनलाइटिंग नहीं जानते तो आपको बता दे कि जब कर्मचारी ज्यादा कमाई के इरादे से एक साथ दो या दो से अधिक कंपनियों के लिए काम करते हैं तो इसे मूनलाइटिंग कहा जाता है। लेकिन ये मूनलाइटिंग अब कंपनियों के लिए सिरदर्द बन गई है। दरअसल रिमोट साइट से काम करने की वजह से कर्मचारी किस वक्त दूसरी कंपनी का काम कर रहे हैं ये पकड़ना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी ओर कंपनियों का सेंट्रलाइज्ड डेटा न होने की वजह से भी ऐसे कर्मचारियों को पकड़ना मुश्किल होता है। आईटी कंपनियों का कहना है कि कर्मचारियों की इस हरकत की वजह से उन्हें रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी का नुकसान झेलना पड़ता है। एक आईटी कंपनी ने अपने एक ऐसे ही कर्मचारी को पकड़ा जो एक दो नहीं बल्कि पूरी 7 कंपनियों के साथ काम कर रहा था। कर्मचारी के पीएफ खातों की वजह से उसकी चोरी को पकड़ा जा सका। यही वजह है कि कंपनियां कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर जोर दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में मून लाइटिंग गैर कानूनी नहीं है बल्कि आपकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करता है और कई कंपनियां दोहरी नौकरी की मंजूरी नहीं देती। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जबकि कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, न जाने कब फिर से वर्क फ्रॉम होम की जरूरत आ जाए। ऐसे में बेवफा कर्मचारियों की मूनलाइटिंग से हो रहे नुकसान को रोकना कंपनियों के लिए सबसे बड़ी कवायद है और ऑफिस बुलाने से ये समस्या कितनी हल होगी कहना मुश्किल है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए तो यहाँ पर अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर घर बैठे एक से ज्यादा काम कर्मचारी क्यों कर रहे हैं? दूसरा, मून लाइटिंग आपके करियर के लिए कितनी खतरनाक है और मून लाइटिंग से कंपनियों को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है या वो नुकसान उठा रहे हैं, इसी पर हम आज ये पेशकश लेकर आए हैं। और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ सिंपली एचआर सॉल्यूशन के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह हैं, हमारे साथ मस्टेक के वाइस चेयरमैन और एमडी अशांक देसाई भी हैं और साथ ही सीनियर बिजनेस लीडर स्ट्रैटेजिक एडवाइजर संजय श्रीवास्तव भी चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। रजनीश जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले क्योंकि मैं चाहती हूं कि उदाहरण देकर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर मून लाइटिंग किस तरह के कर्मचारी करते हैं। क्या एक फुल टाइम एम्प्लॉय भी मून लाइटिंग करता है या ये जो टर्म है केवल फ्रीलांसर्स के लिए सीमित है? एक से ज्यादा कंपनियों के जब हम बात करते हैं तो एक वक्त पे कितनी कंपनियों के साथ कर्मचारी काम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत क्या वाकई कोरोना के समय हुई है? मून लाइटिंग का जो प्रैक्टिस है पहले भी रहा है बहुत, मगर बहुत कम रहा है। और मगर इस पैंडेमिक के दौरान डेफिनेटली हम लोगों ने देखे हैं काफी केसेस बढ़े हैं। मून लाइटिंग का मुख्य मतलब यही होता है कि आपके पास एक परमानेंट जॉब है बट आप अपने फ्री टाइम में कुछ और काम लेते हैं, दूसरे कंपनीज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वो कंपनीज जैसा आपके रिपोर्ट ने भी बताया, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ऐसा समय है, आपका रोल ऐसा है जिसमें समय शायद काफी है आपके हाथ में, हो सकता है आप 4 या 5 जॉब्स भी कर सकते हैं साथ साथ।
तो लोगों का ये जो प्रैक्टिस रहा है, काफी कंपनीज इसके रिलेटेड में बहुत ही वरीड हैं, खास करके आईटी कंपनीज में, जहां पर कि इस तरह का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा पाया गया है, जहां पर कि लोग रिमोट पे हैं और शायद एक या ज्यादा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक तरह का उल्लंघन है आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। आपका एम्प्लॉयमेंट बड़ा सही तरीके से, आपके अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें ये कहा जाता है कि आपके पास ये नौकरी और इसके अलावा और आप कहीं नौकरी नहीं करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही सीरियस ये मिसकंडक्ट माना जाएगा। मगर इसको नजरअंदाज करते हुए कुछ लोग इसका उल्लंघन करते हैं, कुछ कंपनीज इसके ऊपर पकड़ पा रही हैं और ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर कि लोगों को इसके प्रैक्टिस के कारण उनको अपने सर्विस भी खोना पड़ रहा है। नहीं तो यहाँ पर पकड़ में कैसे आ रहे हैं कर्मचारी? अगर कोई कर्मचारी जो है, कोई एम्प्लॉई जो है, मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और भले ही एक कंपनी के साथ 9 to 5 बेसिस पर नौकरी है उनकी और वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो किसी और कंपनी के साथ काम करना शुरू कर लेते हैं जिसकी वजह से इसको मूनलाइटिंग भी कहा जा रहा है, तो पता कैसे चलता है, कैसे कंपनियां जो हैं ये पकड़ पा रही हैं कि उनका जो कर्मचारी है ये मूनलाइटिंग कर रहा है? अशांक देसाई जी, ये सवाल आपको है। देखिए बात ऐसी है, एक आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा। हमारे कर्मचारी आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ये तो पता है सबको, अगर वो शायद बंबई में नहीं हो, बैंगलोर में नहीं हो, कहाँ भी रांची में भी बैठे हो, तो वो एक बात है कि फिजिकली हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहता है आज, एक बात है। दूसरी बात ऐसी है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आईटी का काम ऐसा है जो सिंक्रोनस करना जरूरी नहीं है। एसिंक्रोनस इसका मतलब ऐसा कि आप कभी भी काम कर सकते हैं और आप आपका कोड सबमिट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को और फिर कंटिन्यूअसली आपका काम चालू रह सकता है। ऐसा नहीं कि 100% वो कर सकते हैं, कभी 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 हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है ज्वाइंट जहाँ टाइम का सवाल होता है, नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि आप काम भी कैसे भी कैसे भी टाइम पे काम कर सकते हैं और आप सबमिट कर सकते हैं। और तीसरी बात ऐसी है कि आज डिमांड सप्लाई इक्वेशन आईटी में इतने कंटिन्यूअसली रॉन्ग साइड में जा रहे हैं कि डिमांड है, सप्लाई नहीं है, तो ऐसे में एक एक आईटी प्रोफेशनल को दो दो तीन तीन कंपनियां भी आज बुला रही हैं। तो ये जब तीन सिचुएशन गैदर आते हैं तो ये चांसेस होने का बहुत ही प्रोबेबिलिटी हाई है, और मैं तो मानता हूं जैसे हो रहा होगा और आपने भी एक एग्जांपल दिया है। तो हमें ये कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। जब हमें प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी तो पता चलेगा, जब एक कंटिन्यूस एम्प्लॉई एक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, वो प्रॉब्लम आ सकता है। फिर ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये चेक भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मगर बात ऐसी है कि सिचुएशन आज ऐसा है कि चांसेस ऑफ मूनलाइटिंग कैन बी वेरी हाई, दैट्स अ फैक्ट। नहीं लेकिन अशांक जी, जो आप वेज बता रहे हैं जिससे कि ये पकड़ा जाए कि आपका कर्मचारी मूनलाइटिंग कर रहा है, वो कोई ठोस बेसिस पर थोड़ी है। कोई भी कर्मचारी उठकर मना कर सकता है कि आप जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है, इसके पीछे प्रूफ की जरूरत होगी। संजय जी, सवाल यहाँ पर ये है कि एक तो कंपनियां ठोस तरीके से कैसे पकड़े कि उनके कर्मचारी मूनलाइटिंग कर रहे हैं, और दूसरा अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और अगर एक से ज्यादा कंपनियों के साथ काम करने में मुझे पैसे मिल रहे हैं तो फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइज तो उल्लंघन है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई नहीं बंधा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो मेरे ख्याल से आपको पैसे कमाने का पूरा हक है, और जैसा कि डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस कभी भी नहीं होता है आमतौर पर देखा गया है, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा यहां पर कमी है, तो अगर इसकी वजह से मुझे ज्यादा काम मिल रहा है, पैसे कमाने के मौके ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपनाऊं? कविता जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को, तो
जो मिस्टर देसाई ने भी बोला और पहले भी बोला, इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर आप फ्रीलांसर हैं तब तो आप जितनी भी आपको असाइनमेंट करनी है आप कर सकते हैं, क्योंकि वो असाइनमेंट आप स्पेसिफिक एरिया पे कर रहे हैं। दूसरा, जो ट्रेडिशनल जो मून लाइटिंग है जिसका ग्रे एरिया माना जा रहा है, वो ये है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं और उसके अलावा कर रहे हैं। अब इसमें दो या तीन की पहलू हैं। एक, जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट है, आप देखिए सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट में स्पेसिफिक मेंशन है कि आप डुअल जॉब नहीं कर सकते। तो जो कंपनीज हैं, खासकर आईटी कंपनीज, उन्हें देखना पड़ेगा उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या रखा है। इसके दो तीन तरीके हैं। अगर कंपनी को लगेगा कि वो कैच कर सकते हैं, जैसे मिस्टर देसाई ने भी बोला, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है दूसरे कंपनी के संग, तो अगर आप उनका प्रोविडेंट फंड देखेंगे, अगर आप उनके आईटी रिटर्न देखेंगे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जनरेट होंगी, अगर बैंक अकाउंट वगैरह से पेमेंट हो रहा है। तीसरी चीज जो आपको देखनी पड़ेगी, वो जो आपने भी इस चीज को मेंशन करा कि एक डिमांड और सप्लाई है, तो अगर डिमांड और सप्लाई का गैप है और उसमें कंपनीज और एम्प्लॉयज को ये पहलू भी देख सकते हैं कि ये डिमांड और सप्लाई का गैप हम किस तरीके से मैच कर सकते हैं, जिससे कि एक बैलेंस इसमें ले सकते हैं। तो अगर कुछ कंपनीज को चाहिए स्किल्स, खासकर शॉर्ट टर्म में स्किल्स चाहिए और उन्हें लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, तो शायद वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहते भी नहीं हो। उसी तरह जो कंपनी, जो बहुत सारे लोग हैं, हालांकि आज वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, पर आप ये भी देखिए कि बहुत सारे कंपनीज ने कॉस्ट कटिंग मेजर में सैलरीज पे फ्रीज लगा दिया था और बहुत सारे पर्क्स भी लोअर कर दिए थे, और नई स्किल्स की जरूरत है। तो इसको करते हुए अगर एम्प्लॉयज एक बैलेंस तरीके से नई स्किल लर्न करके और अगर एक इनकम का दूसरा जरिया जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। मेरा ये सवाल ये भी है, रजनीश जी शायद आप जवाब दे सकें इसका, आईटी में ही क्यों मूनलाइटिंग की दिक्कत ज्यादा कंपनियों को झेलनी पड़ रही है? देखिए, बड़ा सिंपल सा इसका मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। आईटी में देखिए काफी काम प्रोजेक्ट बेसिस पे होती है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ मिड टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, यस, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म भी होते हैं। बट जितने भी ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उनपे काफी समय ये देखा गया है कि लोग बड़े उससे इंटरेस्टेड रहते हैं कि आप एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएं और आपने तीन चार महीने में काम करके उनको दे दिया। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण कि आप देखते हैं आईटी सेक्टर में इसका आप प्रैक्टिस ज्यादा देखते हैं, प्योरली बिकॉज ऑफ जो जिस तरह का नेचर ऑफ योर वर्क है, और जो जैसा मैंने कहा कि बिकॉज प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है तो बहुत इजी होता है ऐसा काम को मूनलाइटिंग के तौर पे करने का। अशांत जी, किस तरह की दिक्कतें एक कर्मचारी को आ सकती है? मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने आपको पकड़ लिया मूनलाइटिंग करते हुए और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का साफ तौर से उल्लंघन है, तो अब किस तरह से लीगल परेशानियां जो हैं एक एम्प्लॉई पर पड़ सकती हैं, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं और उनके करियर के लिए ये खतरनाक हो सकता है? तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अब सब आईटी कंपनियां ऐसे ही साइन करती होंगी, कि they have to work only for the company, उनको अलाउ नहीं है एम्प्लॉई हो तो कोई काम करने का। तो कॉन्ट्रेक्चुअली तो ऑब्लिगेशन है ही है, वो साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो बात बहुत सीधी है कि कोई पकड़ा गया ऐसा मूनलाइटिंग करते समय, तो कंपनी हैज अ फुल राइट टू टेक एनी एक्शन दे वांट टू टेक, उसमें कोई सवाल की बात ही नहीं है, लीगल इश्यू भी नहीं है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज कि मैं काम नहीं करूंगा, आप कर रहे हैं, मगर सवाल तो प्रूफ का है, प्रूफ है कि आपके पास 100% काम चल रहा है, तो सवाल प्रूफ का है, सवाल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, तो एक बात होगी। दूसरी बात ऐसी है कि हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रीलांसर हो जो कोई कमिट नहीं कर रहा है, वो खाली बोल रहे हैं कि हम
कितना काम करेंगे आपका, अब आपको पेमेंट देना हो तो ठीक है, तो वो तो दूसरा अलग का कॉन्ट्रैक्ट। मगर जब कोई एम्प्लॉई हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली ऐसा ही रहेगा कि वो ही काम करेंगे। सिर्फ वो प्रूव कैसे करना है, ये तो कंपनी को बहुत ईजी नहीं होगा, लीगली कोई चैलेंज कर सकता है उसको। मगर बात ये नहीं है, बात दूसरी भी है कि वी एक्सपेक्ट अवर एम्प्लॉयज टू बी मॉरली ऑब्लिगेटेड, कंपनी इज मॉरली ऑब्लिगेटेड, एम्प्लॉयज आर मॉरली ऑब्लिगेटेड, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें हम ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज के साथ कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनको खुद का मॉरल ऑब्लिगेशन का याद हो और वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में संजय जी, क्या हम इस तरह की कल्चर की ओर नहीं बढ़ सकते जहां पर मूनलाइटिंग को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया जाए कंपनियों के जरिए? बिकॉज देखिए, कोविड के दौर में हमने बहुत सारी नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, खासतौर से वर्क फ्रॉम होम, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो हमें लगता था कभी नामुमकिन सा एक सपना था, लेकिन वो अब होता हुआ हमने देखा है। अब हाइब्रिड पर हम आ गए हैं जहां पर कुछ दिन जो है हफ्ते के आप ऑफिस से काम कर रहे हैं, कुछ दिन आप घर से काम कर रहे हैं। तो इसी नएपन में क्या हम मूनलाइटिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अगर एक्सेप्ट कर भी पाए तो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये करना मुमकिन होगा? जी, ये एक बहुत ही अहम पहलू है कविता जी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दो डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। कोविड के टाइम जब रिसेंटली कुछ सर्वे हुए थे तो उसमें कम आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनीज में कम से कम 68% करंट वर्कर्स ने बोला कि वो फ्रीलांस करना चाहेंगे। अभी मैं उसके रीजन में बाद में आऊंगा। और दूसरा, आप इंडिया में भी जिस तरह की नई जॉब्स आ रही हैं, चाहे वो टेक हो या स्टार्टअप हो या सारी इंडस्ट्री जो डिस्टरप्ट हो गई हैं, एक आंकड़ा आया था कि कम से कम 13-14 करोड़ ब्लू कॉलर वर्कर्स की जॉब का डेफिनेशन ही बदल जाएगा। तो अगर हमको कंटिन्यू करना है और इस नए आयाम को लेना है तो हमको इसको अडैप्ट ही करना पड़ेगा। और इसके अडैप्ट करने के लिए जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इसमें क्या कंडीशंस लेनी चाहिए, तो इसमें दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जहां तक एम्प्लॉय की बात है, एम्प्लॉय को ये वेरी क्लियर होना चाहिए कि एक तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, दूसरा वो क्यों कर रहे हैं, क्या वो अपनी लर्निंग और ग्रोथ या नए स्किल डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, और तीसरा अगर उनका इकोनॉमिक कंडीशन का इशू है तो वो एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। पर अगर ये आप कंपनी की बात करें तो कंपनी इसको एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में सपोर्ट कर सकता है। और हमारे पास अभी से नहीं, हमारे पास कभी काफी पहले के एग्जाम्पल हैं कि कंपनी खुद ही एनकरेज कर सकता है कि आप कैसे नए स्किल डेवलप करें और वो बाद में कंपनी के लिए भी यूज हो सकते हैं और दूसरे भी। जैसे 3M कंपनी, जिसका पोस्टेड सबसे फेमस प्रोडक्ट है, उसने 1948 में एक कंसेप्ट लगाया था कि 15% टाइम, क्या 15% अपना टाइम ऐसे नए प्रोजेक्ट में लगाइए जो आपके काम से एकदम रिलेटेड नहीं हो, बाद में कंपनी को फायदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना मिशन लिया था इनोवेशन या मरो। उसी तरह आप देखिए, जब गूगल भी एक छोटी कंपनी थी 2004 में आईपीओ से पहले, उनके को फाउंडर्स ने ये आईपीओ में रिटन डॉक्यूमेंट दिया था कि गूगल की पॉलिसी है 20% टाइम इज अ प्रोजेक्ट टाइम, जिसमें से आप नई चीजें निकालिए, और उससे सिर्फ एम्प्लॉयज ही सीख कर या इनोवेट करके बाहर जाकर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, गूगल का भी फायदा हुआ। तो आप देखिए, जीमेल, गूगल न्यूज, एडसेंस, ऐसी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। तो जब तक हम कंपनी का एक फ्रेमवर्क डिफाइन कर सकें कि आप कंपनी की कोई आईपी टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं, आप कंपनी का कोई डायरेक्ट वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं और कंपनी का काम सफर नहीं हो रहा है, तो इसका एक समन्वय कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से रजनीश जी को मुझे इसी बात पे सवाल पूछना है, क्योंकि देखिए जहाँ तक डिमांड एंड सप्लाई की कमी है और स्किल्ड लोगों की खासतौर से कमी की बात है, रजनीश जी क्या आप सहमत नहीं है इस व्यू से कि आगे चलकर अगर मूनलाइटिंग को हम ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लें इंडस्ट्रीज के लेवल पर, सेक्टर्स के लेवल पर, तो फायदेमंद होगा? ये बड़ा पेचीदा सवाल है और इस पे मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था हमारे को पैनलिस्ट को भी जो बता रहे थे, बड़ा अच्छा पॉइंट्स उन्होंने शेयर किया कि किस तरह हिस्टोरिकली कुछ कंपनीज इस पे काम किया भी है उन्होंने। इसको बिल्कुल ही नकारा भी नहीं जा सकता है, मगर जैसा आपने अपने पहले सवाल में बहुत अच्छी तरह पूछा था कि इसमें क्या कंडीशंस लगाया जाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अब ये मान के हमें ये चलना है कि ये जो एम्प्लॉय होगा ये फ्रीलांसर नहीं है, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक रेगुलर जॉब पे, एक परमानेंट जॉब पे, और उस पे हमारी सहमति है कि आप इतना प्रतिशत अपना समय हमें देंगे और अपना कुछ जो समय आपका बचता है आप हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है कि आप ऐसा कार्य करें जिसपे कि जैसा हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, बट वो भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आप किस तरह डिफाइन करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं ये हमें मानना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, क्योंकि स्किल सेट जो उस एम्प्लॉय का है वो एक दूसरा एम्प्लॉयर भी वही स्किल सेट चाहेगा। तो ये कहना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और इस पे उल्लंघन ना हो, ये बहुत ही बड़ा मुश्किल सवाल है। तो ये एक ऐसा एरिया है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मुझे लगता है कंपनीज को काफी समय लगाना पड़ेगा, अपने लीगल के लोगों से काफी इस पे डिस्कशन करना चाहिए कि इसको किस तरह हम फ्रेम करें, और अगर हम इसे एनकरेज करना चाहते हैं तो इसके क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उनको बड़ी क्लियरली लिखना चाहिए। साथ साथ मैं जो हमारे पहले को पैनलिस्ट थे उनका भी बड़ा ही बहुत ही अच्छा सवाल था कि कहीं ना कहीं बात घूम करके मॉरल ऑब्लिगेशन पे आती है। तो ये अगर हम मूनलाइटिंग को अलाउ भी करते हैं तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो अब हमने कंडीशंस अलाउ किए हैं आपको, तो आप मॉरली उसको एक्सेप्ट करो और मॉरली उसको एग्जीक्यूट करो। उस पर भी अगर आप उसका भी उल्लंघन करने लगते हैं तो तब ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाएगा और इसको फिर हमें काबू करने में बहुत ही इसमें मुश्किल होगा। अशांत जी, अगर ऐसा करने की ओर कदम बढ़ाया जाए तो प्रोडक्टिविटी, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है कंपनियों के लिए, उसका एक पैमाना और क्राइटेरिया क्या हो सकता है? नहीं देखिए, मैं जो बात चल रही है उसपे भी थोड़ा सा खंडन करना चाहता हूं। हर आईटी कंपनी आज ऐसा डिस्क्रिशनरी टाइम तो जनरली इन्वेस्ट करती ही है एम्प्लॉइज में, वो खुद ट्रेन करे, हमारे ट्रेनिंग बजट रहते हैं कंटिन्यूस। अभी तो इतनी टेक्नोलॉजियां पास जा रही है कि हम ट्रेन नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो ट्रेनिंग और पर्सनल टाइम फॉर इम्प्रूवमेंट वो तो रहता ही है, मगर उसमें ऑब्लिगेशन क्या रहता है एम्प्लॉइज का, वो काम कंपनी के लिए फायदेमंद हो खुद के लिए भी हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि आप कौन सा भी काम करें, आपको काम करना है जो जिसमें आपका भी करियर बढ़े और कंपनी का भी एक्सपीरियंस हो, एक बात है। दूसरी बात आप ध्यान में रखना चाहिए आईटी इंडस्ट्री, आज आईटी इंडस्ट्री दुनिया भर में काम करती है, 90% ऑफ हमारा वर्क आउटसाइड कंट्री रहता है, हमारे कस्टमर्स तो बहुत सीनियर बड़ी कंपनियां हैं, मास्टेक में हम तो बहुत सारे गवर्नमेंट बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सेंसिटिविटी बहुत रहती है। तो ऐसे में हमारी कंपनी में जब फिजिकली काम रहता था तब भी सेपरेट कंपार्टमेंट रह के हमारे कस्टमर हमें बोलते हैं कि और किसी से भी बात नहीं करना है उनको। तो ऐसे समय में जब उन्होंने रिलक्टेंटली एग्री कहीं किया कि घर से काम करो अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो उनके लिए तो वो अच्छी बात है ही नहीं कि कोई भी आईटी इंडस्ट्री का एम्प्लॉय दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करे, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और इवन एप्लीकेशन प्राइवेसी का इश्यू है, वो बहुत ही बड़ा इश्यू है। हम इंडिया का ऐसा इमेज कर ही नहीं सकते हैं जहाँ कोई भी प्रोग्रामर हो वो दूसरे पे काम करे जब वो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट हो। जब कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सब ठीक है, आपका इंटरनल काम है, आप जो भी चाहिए वो कर सकते हो, अलाउ भी कर सकते हैं, मगर वो तो अलग बात है। मगर आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमारा
90% ऑफ काम कस्टमर प्रोजेक्ट पे रहता है, तो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसा मूनलाइटिंग नहीं हो। एक स्पेशल सिचुएशन में हमारे इंटरनल काम में हम एग्री करें। अभी आप प्रोडक्टिविटी की बात, मौजूदा हालात में तो मौजूदा समय में तो खैर ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा कंपनियों के लिए। बेहतर है कि जितने भी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लें जो कोई भी मून लाइटिंग की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन हाँ, भविष्य की संभावनाओं में से मून लाइटिंग जैसा वर्क कल्चर हो सकता है कि हम आता हुआ देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे भी कंज्यूमर किंग में इजाजत दें। नमस्कार।